हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज हम फिर से लाए हैं और 50 क्वेश्चन जो हमने 500 सीरीज स्टार्ट किए थे ना, उसका कंटिन्यूशन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आप लोग देखना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? ए सुपर डिसइंटीग्रेंट्स इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज, क्या होगा इसका सही आंसर? सुपर डिसइंटीग्रेंट्स बोला है ना, तो क्या होगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन ए सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज द करेक्ट आंसर। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट इन ए टेबलेट फॉर्मुलेशन इज, क्या है फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट ऑफ द टेबलेट फॉर्मुलेशन? लुब्रिकेंट फॉर्मुलेशन का फंक्शन क्या है? इम्प्रूविंग फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनुल्स, रिड्यूसिंग पंच एंड डाई वायर, फेलिसिटिंग टेबलेट इजेक्शन फ्रॉम द ड्राइन। क्या है सही आंसर? क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टेबलेट फॉर्मूला। स्वीटनिंग एजेंट क्या क्या दिया जाता है च्यूएबल च्यूएबल टेबलेट में? च्यूएबल टेबलेट में स्वीटनिंग एजेंट क्या देता है? आंसर क्या होगा? यस, आंसर इज डी, मैनिथोल। मैनिथोल दिया जाता है स्वीटनिंग एजेंट, एज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज किया जाता है च्यूएबल टेबलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मटेरियल यूज एज कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग के लिए कौन सी मटेरियल यूज किया जाता है? पीजी, इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, कौन सा दिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द एबव्स, सभी के सब यूज किया जाता है फिल्म कोटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साब कोटिंग इज गिवेन टू द टेबलेट। साब कोटिंग क्यों दिया जाता है? टू इंक्रीज द बल्क एंड टू राउंड अप द एज, टू अवॉइड द डिटोरेशन ड्यू टू द माइक्रोवेल अटैक, टू प्रिवेंट द सोल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम और टू अवॉइड स्टिकीनेस। किस लिए दिया जाता है साब कोटिंग? हाँ, सब कोटिंग टू इंक्रीज द बल्क एंड टू राउंड अप द एज, बल्क इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है ना सब कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द प्रिपरेशन ऑफ मल्टीलेयर टेबलेट वन ऑफ द सब्सटेंस लिस्टेड इट्स फॉर हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स कोटिंग। हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स कोटिंग में क्या दिया जाता है? हाइड्रोफिलिक्स मैट्रिक्स कोटिंग में क्या दिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, सीएमसी। सीएमसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लैक्टोज इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इन द टेबलेट फॉर्मुलेशन, हाउएवर इट इज नॉट यूज्ड इन द फॉर इट इज नॉट यूज्ड वन ऑफ द फॉलोइंग। लैक्टोज डाइल्यूएंट एज ए डाइल्यूएंट किस में यूज नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यस, आइसोनियाजाइड इज द करेक्ट आंसर। आइसोनियाजाइड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द डाइल्यूएंट फॉर ए कॉम्प्रेस टेबलेट फॉर्मुलेशन इज। चूज द डाइल्यूएंट फॉर ए कॉम्प्रेस टेबलेट फॉर्मुलेशन इज। कॉम्प्रेस टेबलेट फॉर्मुलेशन में कौन सा डाइल्यूएंट दिया जाता है? यस, लैक्टोज। लैक्टोज दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट देखेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज सुइटेबल फॉर टू गेट 100% बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। 100% बायोअवेलेबिलिटी पाने के लिए कौन सी रोटी यूज़ करना किया जाता है, मतलब कौन सी रोड से देने से है 100% बायोअवेलेबिलिटी आती है कोई भी डोजेस का? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, आईवी इंजेक्शन से, आईवी रोड से 100% बायोअवेलेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे।
एडिशन ऑफ टेबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल इज कॉल्ड एडिशन ऑफ टेबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टिकिंग। हाँ, स्टिकिंग कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? स्टिकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफर्बेसेंट टेबलेट्स अलोंग विद द एक्टिव मेडिकामेंट्स कंटेनिंग, इफर्बेसेंट टेबलेट में एक्टिव मेडिकामेंट कौन सी होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सब होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होती है, साइट्रिक एसिड होती है, टार्ट्रिक एसिड भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनरली स्टेरॉयड हार्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ, स्टेरॉयड हार्मोन्स किस फॉर्म से, किस फॉर्म में लिया जाता है, कैसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डेंटल कॉन्स, मल्टीलेयर टेबलेट, इम्प्लांट्स और सोल्यूबल टेबलेट। कैसे लिया जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इम्प्लांट्स, थ्रू इम्प्लांट्स से लिया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए टेबलेट कैन बी फाउंड बाय, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे पता किया जाता है? किस टेस्ट से किया जाता है? हार्डनेस टेस्ट से किया जाता है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हार्डनेस टेस्ट से, हार्डनेस टेस्ट से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द यूज ऑफ क्लोटेप इन टेबलेट मैन्युफैक्चर इज, स्लोटेप के इसलिए दिया जाता है? डाइल्यूएंट, एज ए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है ना, एज ए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिलेक्ट द क्वेश्चन दैट गिवन द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम ए टेबलेट, सिलेक्ट द इक्वेशन दैट गिवन ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम ए टेबलेट। ड्रग डिसोल्यूशन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार जीपेट में भी पूछा जा चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीपेट फार्मासिस्ट एग्जाम में भी पूछा है, जीपेट में भी ये पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। नॉइज इटनी इक्वेशन, नॉइज इटनी इक्वेशन, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन वन, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टेबलेट, टेबलेट हार्डनेस टेस्ट के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? मॉन्सेंट्रो, स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर और फाइजर, कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन डी, सभी के सब यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेलिक इज यूज टू, शेलिक इज यूज टू फॉर द प्रपोज ऑफ कोटिंग ऑफ टेबलेट इज, शेलिक किस लिए यूज किया जाता है, कौन सी कोटिंग के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर? एंट्रिक कोटिंग के लिए दिया जाता है ना, एंट्रिक कोटिंग। ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। एंटेरिक कोटिंग के लिए दिया जाता है, एंटेरिक कोटिंग के लिए, कोटिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। शुगर कोटेड टेबलेट आर पॉलिश्ड बाय, शुगर कोटेड टेबलेट किसे पॉलिश किया जाता है? सही आंसर क्या होगा इसका? ए, बी वॉक्स, बी वॉक्स से पॉलिश किया जाता है, बी वॉक्स से शुगर कोटिंग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। टेबलेट्स आर प्लेस इन टू ए कोटिंग चैम्बर एंड हॉट एयर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द बॉटम ऑफ द चैम्बर, कोटिंग सोल्यूशन इज अप्लाइड थ्रू एन एटोमाइजिंग नॉइज फॉर्म द अपर एंड ऑफ द चैम्बर, दिस टेक्निक इज कॉल्ड, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन, कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन, कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन, कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच इज द फाइनल स्टेज इन शुगर कोटिंग, शुगर कोटिंग का फाइनल स्टेज क्या है? शुगर कोटिंग का स्टेज होती है ना, तो फाइनल, फाइनल वो क्या है, फाइनल स्टेज क्या है? यस, पॉलिशिंग इज द फाइनल स्टेज, पॉलिशिंग इज द फाइनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द प्रिपरेशन ऑफ टेबलेट्स पाउडर मेडिकामेंट आर मिक्सड, इन द प्रिपरेशन ऑफ टेबलेट्स पाउडर मेडिकामेंट आर मिक्सड,
मिक्स किस लिए मिक्स किया जाता है? यस ऑप्शन फोर, टू इंक्रीज एडहेवनेस। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेफालिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, सेफालिन किसकी मेन इंग्रेडिएंट है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एपिकेक्स से लिया जाता है सेफालिन, सेफालिन किसे लिया जाता है? एपिकेक्स से लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म्स फोर्थ व्हेन शेकन विथ वाटर इज, एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्म्स फोर्थ व्हेन शेकन इन वाटर, किसे क्या फॉर्म करती है? सेफोनिन, सेफोनिन फॉर्म होती है ना, सेफोनिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन इंपॉर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पिन इज, डाइसाइक्लिक टर्पिन क्या है? डाइसाइक्लिक टर्पिन क्या है? यस ऑप्शन बी पाइनिन, पाइनिन इज द करेक्ट आंसर, पाइनिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा बोला है ना, इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रग, कैरेक्टर ऑफ द ड्रग क्या है? सेना डिजिटलिस, जिंजर और नक्स पोमिका। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सी होगी? यस ऑप्शन डी नक्स पोमिका, नक्स पोमिका इज द करेंट करेक्ट आंसर, नक्स पोमिका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉल्सिकम इज एन एग्जांपल ऑफ, कॉल्सिकम किसकी एग्जांपल है? किस एल्कालॉइड से, एल्कालॉइड है कॉल्सिकम, कॉल्सिकम कौन सी एल्कालॉइड है? यस एमाइनो एल्कालॉइड से, एमाइनो एल्कालॉइड से कॉल्सिकम क्या है? कॉल्सिकम एमाइनो एल्कालॉइड से। कॉल्सिकम किस में यूज़ किया जाता है? आर्थरोस्क्लेरोसिस पे, गाउट में दिया जाता है ना। क्वेश्चन ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माहंग, माहंग इज द सिनोनिम्स फॉर, माहंग किसका सिनोनिम है? ऑप्शन क्या होगा? यस ऑप्शन सी इफिड्रा सिनका, इफिड्रा सिनिका का सिनोनिम क्या है? माहंग, इफिड्रा सिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोचेंस रिएक्शन ऑफ एलॉयज इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है? ऑप्शन कौन सी करेक्ट है? बोरेक्स टेस्ट है ना, बोरेक्स टेस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोरेक्स टेस्ट, बोरेक्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीसुट बार्क इज द सिनोनिम ऑफ, किसकी सिनोनिम है? सिनामोन कुर्सी, सिनकोन और अश्वगंधा, किसका है सिनोनिम? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिनकोना, सिनकोना को क्या कहा जाता है? जीसुइट बार्क है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच प्लांट ड्रग इज ऑक्सीटॉक्सिक, ऑक्सीटॉक्सिक कौन सी प्लांट ड्रग है? यस करेक्ट आंसर इज ए एरगोट, एरगोट इज द करेक्ट आंसर। एरगोट में किस प्रॉपर्टी रहती है? ऑक्सीटोसिक, ऑक्सीटोसिक है ना एरगोट प्लांट में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थाल्मिक प्रिपेरेशन आर गिवेन इन द ड्रग दैट कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अंडर, स्टैंडर्ड फॉर द ऑप्थाल्मिक प्रिपेरेशन आर गिवेन इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अंडर 1940 क्या है? ऑप्थाल्मिक प्रिपेरेशन के लिए कौन सी स्टैंडर्ड दिया है, कौन सी शेड्यूल है? यस शेड्यूल एफ एफ, शेड्यूल एफ एफ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, शेड्यूल एफ एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कोटिंग मटेरियल यूज इन द प्रिपेरेशन ऑफ एंटेरिक कोटेड टेबलेट, एंटेरिक कोटेड टेबलेट में कौन सी कोटिंग मटेरियल दिया जाता है? शुगर, इथाइल सेलुलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और सेलुलोज एसीटेट फैलेट, कौन सा दिया जाता है?
सेलुलोज एसिटेट फ्लेट दिया जाता है, सेलुलोज एसिटेट फ्लेट दिया जाता है, करेक्ट आंसर इज सेलुलोज एसिटेट फ्लेट फेट्रोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक इन पेरेंटियल प्रिपेरेशन, इनमें से लोकल एनेस्थेटिक है कौन सी है पेरेंटियल प्रिपेरेशन में, टोकोफेरॉल, EDTA, बेंजाइल अल्कोहल और PEG, क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड एज एंटी एमिटिक इज, एंटी एमिटिक में 5-HT3 एंटागोनिस्ट रिसेप्टर कौन सी है, कौन सी ड्रग है, यस ओंडेंसेट्रोन, ओंडेंसेट्रोन इज द करेक्ट आंसर, ओंडेंसेट्रोन इज द करेक्ट आंसर, एमिटिक ड्रग है ना ओंडेंसेट्रोन। ए ड्रग दैट इनहिबिट्स माइकोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेसिस, ए ड्रग दैट इनहिबिट्स माइकोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेसिस, कौन सी ड्रग यू इनहिबिट करती है माइकोबैक्टीरियल पॉलीमरेज, ऑप्शन ऑप्शन क्या है, ए रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन इज द करेक्ट आंसर, रिफाम्पिसिन इज द करेक्ट आंसर। आप लोग पोज करके भी वीडियो देख सकते हो कैसे, और आंसर भी दे सकते हो पोज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेज इनहिबिटर यूजफुल इन ट्रीटिंग HIV इज, प्रोटेज इनहिबिटर बोला है ना, प्रोटेज इनहिबिटर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यस कोएनेविर इज करेक्ट आंसर, कोएनेविर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बीटा वन एड्रिनो रिसेप्टर आर फाउंड इन, बीटा वन एड्रिनो रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता है, हार्ट, ब्रोंकाई, लीवर और ब्लैडर, किसमें पाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, यस हार्ट में, हार्ट में बीटा वन एड्रिनोजन रिसेप्टर पाया जाता है, बीटा वन एड्रिनोजन रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता है, हार्ट में, हार्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए सिलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट इज, ए सिलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट क्या है, योम्बिन, एरो, एल्प्रिनोल, प्रिसोजिन और टिमोल, क्या होगा करेक्ट आंसर, हाँ इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, इसका आंसर आपको देना है, अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा, इसका आंसर आप कमेंट में देना, देखते। नेक्स्ट देखेंगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आर कॉज्ड बाय, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आर कॉज्ड बाय कौन सी कॉज करती है, हाँ एंटी साइकोट्रिक ड्रग, एंटी साइकोट्रिक ड्रग एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है ए डिराइवेटिव ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक इज, एंटी एपिलेप्टिक में कौन सी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है, ऑप्शन क्या होगा, कार्बामाजिपिन, कार्बामाजिपिन दिया जाता है, कार्बामाजिपिन दिया जाता है ना, कार्बामाजिपिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनवांटेड इफेक्ट्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी आर कॉज्ड बाय, ओटोटॉक्सिसिटी क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी क्या है, ओ ए आर का प्रॉब्लम है ना, इसमें क्या होती है, ओ हियरिंग और बैलेंस का प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन इज द करेक्ट आंसर, जेंटामाइसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया कन्वर्टेड बिलिरुबिन इनटू, बैक्टीरिया कन्वर्टेड बिलिरुबिन इनटू किस में कन्वर्ट करती है बैक्टीरिया, यस यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन से कन्वर्ट करती है, यूरोबिलिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव बैक्टीरिया वायरल वैक्सीन, लाइव वायरल वैक्सीन कौन सी है, ये इसका आंसर तो सभी को पता होगा, लाइव वायरल वैक्सीन कौन सी है, यस BCG, BCG इज द करेक्ट आंसर, BCG इज द करेक्ट आंसर, BCG इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोमेथाजिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ, प्रोमेथाजिन कौन सी क्लास की है, प्रोमेथाजिन कौन सी क्लास की है,
स्टेरॉयड सेक्रेटेंट और पाइराडिमाइंस और फेनोथायाजिन्स, कौन सी क्लास की है? करेक्ट आंसर इज फेनोथायाजिन्स, फेनोथायाजिन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए मिनरल नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज नोन एज, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में कौन सी मिनरल यूज होती है? जिंक, कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस, कौन सी होती है? यस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज द करेक्ट आंसर, फॉस्फोरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टाइरोकाइनेज इज नोन एज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टाइरोकाइनेज इज नोन एज, क्या कहा जाता है बताइए, क्या कहा जाता है? टायरोसिनोसिस, नहीं टायरोसिनोसिस नहीं, टायरोकाइनेज देख के आपको लगेगा कि इसका आंसर टायरोसिनोसिस है, नहीं, इसको कहा जाता है एल्विनिज्म, एल्विनिज्म कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? एल्विनिज्म, एल्विनिज्म कहा जाता है। ऐसे ही आप लोग को कंफ्यूज करेगा ऑप्शन दे के, कन्फ्यूज मत होइए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एन अमीनो एसिड व्हिच इज़ नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडीज, कौन सी अमीनो एसिड बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती? वेलिन, ग्लूटामिक एसिड, सेरिन और आर्जिनिन, कौन सी है? करेक्ट आंसर यस, वेलिन इज द करेक्ट आंसर, वेलिन इज द करेक्ट आंसर। वेलिन क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, तो करेक्ट क्या होगा? वेलिन, वेलिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉजेटिव एजेंट ऑफ हुपिंग कॉफ इज, हुपिंग कॉफ की कॉजेटिव एजेंट क्या है? साइनोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, वर्सेला और वर्डेटिला, कौन सा है? यस डी, वर्डेटिला, वर्डेटिला इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिजीज कॉज्ड बाय टास्ट्रिस बेसिलस इज, द डिजीज कॉज्ड बाय टास्ट्रिस बेसिलस इज, कौन सी डिजीज कॉज करती है? यस सिंक्रोइड, सिंक्रोइड इज द करेक्ट आंसर, सिंक्रोइड इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मिथानॉल पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विथ, मिथानॉल पॉइजनिंग कौन सी दवा से ट्रीट किया जाता है, कौन सी ड्रग से यूज किया ट्रीट किया जाता है मिथानॉल पॉइजनिंग? मिथानॉल पॉइजनिंग, इथानॉल, डाइजापाम, मिथाडोन और एन एसिटाइलसिस्टीन, कौन सी ड्रग से ट्रीट किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यस, इथानॉल इज द करेक्ट आंसर, 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 इथानॉल इज द करेक्ट आंसर। आज के ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप लोग साथ में रहिए और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है या फिर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगर कुछ गलत हुआ तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।